राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर के केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो जनरल साइंस का रहेगा। ये जो हम आज करवाने जा रहे हैं ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो। वैसे ये चैप्टर तो 10th क्लास का है, लेकिन सभी एग्जाम्स के अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। क्योंकि जब मैं खुद भी पढ़ता हूँ, कई बार एग्जाम देने जाते हैं तो यहीं से 10वीं क्लास या 9वीं क्लास से हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जनरल साइंस के। तो आज हमारी मेन कंसंट्रेशन रहेगी किसी के ऊपर, साइंस के ऊपर। साइंस का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, वो कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इसके अंदर आज हम देखेंगे भी ये केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उससे पहले हमने एक जनरल डेफिनेशन ऑफ साइंस के नाम से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं भी साइंस क्या होती है, कितनी इसकी ब्रांचेज होती है, क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके अंदर, जो ये हमारा टॉपिक है 10th क्लास की केमिस्ट्री का है। तो इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो आप लोग देखते होंगे भी गर्मियों के अंदर क्या होता है, जब आप दूध रखते हैं तो दूध फट जाता है। कई बार जो अब आपने देखा होगा भी जो लोहा है, लोहे के ऊपर क्या लग जाता है, आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, जर लग जाता है, वो किस कारण से लगता है। अंगूर है वो क्या हो जाते हैं, गर्मियों के अंदर रख दिए जाए तो यार फर्मेंटेड हो जाते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, सूख सूख के उनकी दाखें बढ़ जाती है, और कई बार वो क्या हो जाते हैं, गल सट जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, मायने रखती है आप लोगों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो इसको डिफाइन हम कई वे से कर सकते हैं। इसके अंदर आप कहीं डेफिनेशन है तो कुछ भी कर सकते हैं। हम दो डेफिनेशन लिखी है, कौन सी लिखी है, एक तो द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो जाए, रिएक्टेंट क्या हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, जैसे दूध से दही बनना। या फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने ये भी लिखा है, उससे पहले ऊपर और डेफिनेशन है कौन सी, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे और क्या हो जाएंगे, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब इसके अंदर भी रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होंगे, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अब हम बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकेज ऑफ इसका ओल्ड बॉन्ड। अभी क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड आपस के अंदर टूट रहे हैं, और ये बॉन्ड टूटने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और न्यू कंपाउंड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया। देखते हैं अब केमिकल इक्वेशन, जैसे हमने केमिकल रिएक्शन देखा, अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। देखिए क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। कैसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता होगा हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, और 118 एलिमेंट आपको पता है, तो हर एक के नाम लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका वो क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में ले जाने के लिए क्या आई थी, केमिकल इक्वेशन आई थी, यानी कि सिंबल्स दे दिए गए। जैसे हम यदि केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। लेकिन इसको बार बार लिखना, ये तो बहुत छोटे कंपाउंड है, इससे भी बहुत बड़े बड़े कंपाउंड है, तो उनको नाम इस तरह से लिख पाना पॉसिबल नहीं था। तो उसको पॉसिबल तो था, लेकिन क्या हो गया, हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन कर दी किसके अंदर, सिंबल्स के अंदर। जैसे हम हाइड्रोजन के लिए H लगाते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 लगाते हैं, तो इससे क्या बन गया, वाटर को हमने H2O फॉर्मूला दे दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने, जो हमारी केमिकल रिएक्शन ये भी है, ये भी है, दोनों केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या हो जाती है, हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए H लगा दिया, ऑक्सीजन के लिए O2 लगा दिया, लेकिन ये पीछे ये G क्या है, ये L क्या है, ये भी क्या होते हैं, ये इनकी फिजिकल फॉर्म के बारे में बता रहा है भाई। ये क्या है, जी का मतलब गैस होता है, एस का मतलब क्या होगा, सॉलिड होगा,
और एल का मतलब क्या होगा, लिक्विड होगा, और जी का मतलब गैस, और एक और चीज आती है वो कौन सी आती है हमारी, वो आती है कई बार आप देखा मिलेगा आपको किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने किसी चीज को क्या कर रखा है, वाटर के अंदर घोल रखा है। जैसे कि आपने कोई साल्ट लिया, साल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया, तो उसके पीछे हम क्या लिख देते हैं, ए क्या लिख देते हैं, इस ए क्या का मीनिंग क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, वाटर में डिसोल्व कर रखा है। तो अब हम जानेंगे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसा हमें कैसे पता लगेगा भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए कुछ क्या है हमारी लाइनें है इनको समझिएगा, तो इससे पता चलता है हमें भी किस प्रकार से क्या है कोई केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे सबसे पहले लिखा है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट के अंदर क्या होगा, जैसे हमने पिछले हम एग्जांपल कर रहे थे भाई, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या कर रही थी, वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर बना रही थी, तो उससे हमें पता लग गया भी केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर हम बात करें चेंज इन कलर, जब हम क्या करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो यदि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई कलर के अंदर चेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब वहां पर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कोई गैस निकला है, जैसे हम क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसके अंदर थोड़ा सा साल्ट ऐड करते हैं, तो वहां पर क्या होती है गैस बाहर निकल के आती है, तो इसका मतलब जो उसके अंदर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, यदि कोई चीज पहले गर्म थी वो ठंडी हो जाए, या कोई चीज क्या थी ठंडी थी गर्म हो जाए, गर्म थी तो ठंडी हो जाए, तो उस टाइम भी हम क्या कहते हैं भाई क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर हम बात करें चेंज इन टेस्ट, जैसे हम मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क और कर्ड, जो हमारा दूध है दूध का टेस्ट अलग होता है जबकि दही है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो जो दूध का दही में चेंज हो जाना वो भी क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन है। फिर चेंज इन स्मेल, पहले तो उसके अंदर अलग स्मेल आ रही थी, जैसे आप दही को ही स्मेल भी कर सकते हैं, हम दूध का पता लगे दूध का तो नहीं लगा सकते फिर भी लगा सकते हैं, और दही के बारे में हम सूंघ के ही बता सकते हैं, स्मेल करके ही बता देते हैं भी क्या हो गया उसके अंदर जो चेंज हो रहा है स्मेल के अंदर। तो ये थी हमारे क्या हम कैसे पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वैसे आप ये स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही होंगी, तो हम कई प्रकार की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन डिकॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इन सारी रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा हमारा, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ भी रही होगी, उनसे भी आप सीख सकते हैं होता क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंबाइन का मतलब जुड़ना, तो जहां पर क्या हो दो या दो से अधिक चीजें जुड़कर एक चीज बनाए उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए को हमारे पास ए प्लस बी है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और इन्होंने क्या बना दिया एक चीज बना दी, यानी कि दो रिएक्टेंट थे दो सब्सटेंसेस थे उन्होंने एक सिंगल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कर दी, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल है हमारा CaO, इसका जो कॉमन नेम है वो क्विक लाइम भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर क्या आ जाता है क्विक लाइम आ जाता है, तो क्विक लाइम क्या करते हैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, तो आपको याद रखना है भी कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है क्विक लाइम होता है। जब क्विक लाइम को हम क्या करते हैं वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्लैक लाइम की फॉर्मेशन होती है, मीन्स क्या होता है जब आपके घरों में पेंट करने वाले या कली करने वाले आते हैं तो क्या करते हैं बाहर एक ड्रम रखते हैं, उस ड्रम के अंदर क्या करेंगे वो जो कली होती है यानी कि जो चूना होता है उसको डालते हैं, और चूना डालने और उसके अंदर वाटर डालते हैं, वाटर डालने के बाद क्या होता है वहां पर स्लैक लाइन की फॉर्मेशन होती है वो, और इसी को हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ से हीट भी लिबरेट होती है, तो हम आगे जाके देखेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल ये हमने किसका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपने पहले देख चुका है दोनों आपस में मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन देखिए क्या होगा, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है, उसका मतलब है डी कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन होना था, जहां पर क्या हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब इसमें डिसोसिएट हो गए क्या हो जाएंगे एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी।
तो देखते हैं क्या है, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होगा, एक हमारा कोई भी सिंगल सब्सटेंस हो वो डिसोसिएट हो जाएगा ए दो या दो से ज्यादा के अंदर, जरूरी नहीं है वो दो ही के अंदर होगा, दो से ज्यादा के अंदर भी डिसोसिएट हो सकता है। एग्जांपल लेके चलते हैं हम किसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर भी बोलते हैं, मार्बल्स यही होते हैं जो हमारे हम क्या करते हैं चाक इस्तेमाल करते हैं वो भी यही होता है। तो ये क्या होगा, जब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको एरो के साइन के ऊपर डेल्टा मिले, ये ट्रायंगल का साइन मिले, इसको इसका मतलब होता है हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इसके ऊपर ऐसा साइन आपको मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, क्या कर रहे हैं हम इसको हीट कर रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो जो हमारी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, तीन टाइप्स की होती है मेनली, वो तीन टाइप्स की हमने लिख भी दी है। पहली क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, थर्मल का मतलब होता है हीट, हम क्या करेंगे हीट के साथ उसको क्या करेंगे डिसोसिएट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ये मरकरी ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म के अंदर है, जब हम इसको क्या करेंगे हीट करते हैं, हमने बताया भी अभी डेल्टा साइन का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब थर्मल। तो यहाँ से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी कि द टाइप ऑफ डिकम्बिनेशन रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन बाय द हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस करके या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम इनको तोड़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पर NaCl नमक है, जब नमक की हम क्या करते हैं साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैथोड और एनोड होती है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। तो एक जगह हमें क्या मिलेगा सोडियम मिलेगा और दूसरे पर हमें क्या मिलेगा क्लोरीन गैस मिलती है। तीसरा है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लाइट के साथ, फोटो का मतलब होता है लाइट, जहां पर भी आपको फोटो नाम का वर्ड दिखता है वहां से आपको समझ जाना है कि हम लाइट की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लाइट के द्वारा क्या होता है सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट होके एक दो या दो से ज्यादा में बढ़ जाता है। और क्या लिखा है हमने, जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। आपने देखा हो जो पहले क्या थे फोटोग्राफर थे, वो हमारी स्नैप खींचने के बाद क्या करते हैं अंधेरे वाले कमरे में जाके उस नेगेटिव को धोने का काम करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड प्रेजेंट होता है, यदि हम उसको धूप के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाता है रिएक्शन हो जाती थी, रिएक्शन होने के बाद वो क्या हो जाता है जो भी नेगेटिव के ऊपर जो भी हमारी फोटोज होती थी पिक होती थी वो उड़ जाती थी, इसलिए वो क्या करते थे उसको वाश करने का अंधेरे वाले कमरे के अंदर किया करते थे। तो यहाँ पर जो लाइट है लाइट को हम एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या होता है लाइट का ही सिंबल होता है। तो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जो आपको साइड में सब्सक्राइब करने के बाद आपके साइड में एक बेल का आइकन दिखेगा उसको पर्सनलाइज कर लीजिएगा। और हम क्या करेंगे जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसकी NCERT से फर्स्ट चैप्टर की PDF तैयार करके क्या कर देंगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से, आपकी तकरीब के ऊपर जो सबसे ऊपर है उसी नाम से हमारा चैनल का नाम है यूट्यूब के ऊपर संजीव सर की केमिस्ट्री। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर जाके चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डिस्प्लेस से ही समझ में आ रहा है भी क्या करना है, चेंज करना है, स्थान बदलना है, उसका प्लेस चेंज करना है। तो क्या होगा, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होगा, एक रिएक्टिव मेटल दूसरी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन के अंदर से उसको क्या कर देगा
डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको बाहर भेज देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, जिंक है। जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, मतलब वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है ये हम सॉलिड लेके चलेंगे, जब इसको हम ऐड करते हैं इसके अंदर जिंक सल्फेट, इसको ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर इसको जिंक को, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, साथ में तैयार होगा क्या, कॉपर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फेरस आयरन, आयरन भी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से उसको अलग कर देगा, और क्या बनता है, फॉर्मेशन होगी किसकी, हमारा कॉपर सॉलिड की, और ये उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों रिएक्टिव है, किससे, कॉपर सल्फेट से, जैसे आपको ये लिखा हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसके अंदर क्या होगा, यदि हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को करवाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर हमने कॉपर डाल दिया, अब यहाँ पर हमने कॉपर डाल दिया तो ये रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या है, जो जिंक सल्फेट है वो क्या है, पहले ही रिएक्टिव है, उसका सॉल्यूशन है, तो वो इसको क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, भी आप किसी एक कमरे में खड़े हैं और आपसे कोई ज़्यादा ताकतवर आदमी आपके कमरे में एंट्री करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो आपको धक्का देगा, उस कमरे में एंट्री कर देगा और आपको बाहर भगा देगा। तो वही सेम एग्जांपल इसके अंदर है, मतलब क्या था, ये आप थे उस कमरे के अंदर, ये ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने क्या किया, आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया और आप उसके अंदर घुस गया। अब उल्टा एग्जांपल लेके चलते हैं, जो लास्ट वाली रिएक्शन लिखी है हमने, ये वाली, इसके अंदर क्या था, अब ताकतवर क्या है, पहले ही कमरे में मौजूद है, आप उसको क्या करने गए, निकालने गए, तो पता ही आपको क्या होगा, वो ताकतवर आपको क्या करेगा, उस कमरे के अंदर घुसने नहीं देगा, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्या, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बदलना, यानी कि जहां पर दो आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। कैसे समझते हैं, अब जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड है, तो क्या होगा, जो इसके आगे वाला पार्ट है वो इसके साथ चला जाएगा और जो इसके आगे वाला पार्ट है वो इसके साथ आ जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, दोनों के बीच में अदला बदली हो गई, यानी एक्सचेंज हो गया आयंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जो बी ए एसओ फोर के साथ जुड़ के बी ए एसओ फोर बन गया, एन ए सी एल के साथ जुड़ के क्या बन गया, एन ए सी एल की फॉर्मेशन हो गई, तो इस तरह से क्या होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आप वैसे भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, भी आपके जो आपका फ्रेंड है उसके पास दो कॉपी है, आपके पास दो पेन है, अब आप दोनों ने टेस्ट लेना है तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, वो आपको कॉपी दे देगा या आप उसको पेन दे देंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों के पास एक पेन एक कॉपी हो जाएगा, तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पर है। और जो ये साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वहां पर कोई ना कोई सॉलिड चीज बन रही है और वो नीचे बैठ रही है। जैसे आप कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इन दोनों को डाला, तो डालने के बाद हमें कोई वाइट वाइट सी चीज दिखाई देगी, प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे, आगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सेम यही एग्जाम्पल हम उसके अंदर लिखेंगे, यही सेम की सेम रिएक्शन हम उसके अंदर उतारेंगे, और वहां पर क्या होगा, एक इनसोल्यूबल साल्ट बढ़ता है, और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो इनको हमने वाटर में डिसोल्व कर रखा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी कि जो फ्रेंड्स आपके घर में बैठे हैं जिनको पता नहीं है तो उन्हें बताइए कि आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड जरूरी नहीं है भाई वो आपकी स्टडी बाद में कराओगे, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो क्या होंगे, पहले ही आपके क्लियर हो जाए तो बाद में आपको आसानी से समझ में आएंगे। हम आपको पहले बता रहे थे भी हमारा टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप्स है संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, जो भी आपका कुछ हुआ उसकी हम आपको क्या करेंगे, पिक्स भी दिखाएंगे, उन पिक्स के साथ भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।